नमस्कार, मेरा नाम वंदना राजपूत है। मैं कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 में लाइफस्टाइल एंड डाइट काउंसलर के पद पे काम कर रही हूँ। आज हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करेंगे, जो एक डायबिटीज़ का टाइप है, क्योंकि ये सिर्फ गर्भावस्था में ही होता है। गर्भावस्था के दौरान शुगर लेवल्स हमारे शरीर पे बढ़ जाता है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इसके रोकथाम के लिए सही आहार, जैसे किस तरह का कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में चुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें डाइट में लेना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। तो मोटा अनाज जैसे होल व्हीट, बाजरा, रागी, कुट्टू, इस तरह की चीज़ें, छिलके वाली दालें, स्प्राउट्स और नट्स, ये हमें अपने डाइट में ज़्यादा ऐड करना चाहिए। सिंपल और या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा है या मैदे से बने हुए प्रोडक्ट है या शुगर है, उसको हमें अपने डाइट से रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमें एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के अंदर एक शिशु भी पल रहा होता है, तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत और बाकी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक रोटी में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, एक सेब में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और एक ब्रेड स्लाइस में भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो हमें कार्बोहाइड्रेट का चुनाव बहुत ही सही तरीके से करना रहता है। हरी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, 100 से 150 ग्राम तक फल हम खा सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, क्योंकि हमें इससे ना केवल हमारा शुगर मेंटेन रहता है, गर्भवती स्त्री का शुगर मेंटेन करने में मदद मिलती है, इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, जिससे शिशु का विकास में मदद मिलती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको कम से कम 40 से 45 मिनट रोज़ वॉक भी करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो मेडिकेशन या इंसुलिन पे अगर आप हैं तो आपको उसका सही समय पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 में अपना व्यक्तिगत डाइट प्लान बनवा सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या जेस्टेशनल डायबिटीज़ अभी आपको रिसेंटली डायग्नोस हुई है। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।